रणबीर कपूर इस समय एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे हैं। अगर जल्द ही उनके खाते में कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं आई तो उनके करियर पर एक बड़ा सवाल या निशान लग सकता है। रणबीर को अपनी अपकमिंग फिल्म ए दिल है मुश्किल से काफी उम्मीदें हैं, जिसे करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक एक्टर को स्टार बनाने में डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन रणबीर कपूर के करियर का ग्राफ डाउन करने में एक डायरेक्टर का ही हाथ है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने माना है कि रणबीर के करियर को डाउन करने में उनका भी हाथ है। रणबीर ने अनुराग की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में लीड रोल निभाया था। ये एक बड़े बजट की फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप साबित हुई। अनुराग ने माना कि बॉम्बे वेलवेट बनाना उनकी भूल थी। इस फिल्म को बनाने से करोड़ों रुपए का ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि रणबीर कपूर का करियर भी ट्रैक से हट गया। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अनुराग ने कहा, रणबीर एक बहुत टैलेंटेड एक्टर है, इसके साथ ही वो बहुत अच्छा इंसान है। वो प्रयोग करने में विश्वास रखता है, इसलिए उसने बॉम्बे वेलवेट के लिए हामी भरी थी, लेकिन बतौर टीम मैंने उसे डाउन किया। अनुराग ने ये भी बताया कि उन्हें जब लोग इस फिल्म का मजाक बनाते हैं तो उन्हें आज भी बेहद दुख होता है। वैसे बता दे कि रणबीर के करियर का ग्राफ फिल्म बेशरम के बाद ही डाउन होना शुरू हो गया था। इस फिल्म में रणबीर अपने माता पिता नीतू सिंह और ऋषि कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए थे, लेकिन फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। इंतफाक की बात है कि इस फिल्म को अनुराग के भाई अभिनव कश्यप ने बनाया था। इस तरह देखे तो रणबीर आज करियर के जिस मोड़ पर खड़े हैं, उन्हें वहां तक पहुंचाने में कश्यप ब्रदर्स का हाथ है। अनुराग कश्यप ने इस बात को मान भी लिया है।